प्रतिष्ठित यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा में फरीदाबाद की सेक्टर 16 निवासी महक जैन चयनित हुई। महक की ऑल इंडिया रैंकिंग 17वीं और अर्चिता की 188वीं है। उनके पिता प्रदीप जैन एक कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, जबकि माँ घर का कामकाज संभालती है। महक को सफलता तीसरी बार में मिली है। आपको बता दें, महक को घर में बधाई देने वालों का तांता लगा। आईएएस में चयनित महक जैन ने बताया कि परीक्षा की तैयारी शुरू करने के बाद सोशल दुनिया को त्यागना पड़ा, यानी शादी विवाह घूमना फिरना तिथि त्योहारों से दूरी बनानी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि वह नियमित रूप से 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करती थी। महक ने 1 साल कोचिंग लेकर घर में ही तैयारियां की। महक जैन की उम्र 23 वर्ष है। उनकी शैक्षिक योग्यता जामिया मिलिया दिल्ली से मास्टर डिग्री और हंस राज कॉलेज से बीकॉम, एमबीएम स्कूल से 12वीं की। महक जैन दो बहनें हैं, ये दूसरे नंबर की है। बड़ी बहन वाणी जैन सीए कर रही है। महक जैन तैयारी जो है ये एक साल भर का प्रोसेस है, पूरा 3 स्टेज है एग्जामिनेशन के। तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2019 में और इनिशियल 2 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाई थी प्रिलिमिनरी स्टेज, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था यूपीएससी में जिसमें मैंने प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज क्वालिफाई करके ये रैंक हासिल की है। मेहनत तो बहुत लगती है क्योंकि कॉन्स्टेंट आपको एवरी डे कम से कम 8 to 10 आवर्स की मिनिमम स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा एग्जाम्स जब पास होते हैं तो 12 घंटे 14 घंटे, पर मैं घंटों को ना देखते हुए अपने टारगेट्स को ज़्यादा ध्यान में रखती थी। सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्लान करती थी कि किस तरह से मुझे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा होता था कि क्वालिटी स्टडी की जाए रादर देन नंबर ऑफ आवर्स की कितना पढ़ा कितना नहीं। जी, ये बहुत कॉमन है क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, एक साल इसको तैयारी में लग जाता है, फिर नहीं होता अगर किसी भी स्टेज में, जो इंटरव्यू के बाद भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर से प्रीलिम्स देना है तो काफ़ी बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने खुद भी ऐसा सामना किया था जब मुझे भी सेल्फ डाउट होने लगा। बट उसमें आपको एक तो अपना इनिशियल मोटिवेशन क्लियर रखना चाहिए कि हमें जो काम करना है वो हमें क्यों करना है। अगर आप उसके साथ क्लियर हैं तो आपकी जो विजन है वो खुद ही आपको इंटरनली ड्रिवन होंगे आप वो काम करने के लिए। और सेकेंडली मैं कहूँगी कि फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सिस्टम का सपोर्ट, जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उन सबको भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना कॉम्पिटिटिव है, तो कई बार हमें एक बारी में सफलता हासिल नहीं होती, पर हमें गिवअप नहीं करना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के संग। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एग्ज़ाम है, एक जरिया है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर ना करते हुए भी किसी और जरिए से भी आप कर सकते हैं। तो हमेशा एक लार्जर पिक्चर, जो एक बड़ा गोल है आपका, उस पर फोकस करना चाहिए। एग्ज़ाम भी निकल ही जाएगा अगर मेहनत करेंगे तो। आईएएस में चयनित महक जैन के माता पिता ने अपनी बेटी को सफलता के लिए बधाई दी और उनका हृदय खुशी से गदगद। मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन है। इससे ज़्यादा मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं। किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी है उसके बच्चे उससे ज़्यादा हाइट पर पहुँचे, और इसने तो पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, फरीदाबाद का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है। देखिए, इस समय का तो ये सबसे बड़ा टारगेट था जो इसने अचीव किया है। अगर आगे भी ये कोई इस तरीके का टारगेट रखना चाहती है तो ये इसकी अपनी चॉइस है। हम हमेशा इसके साथ हैं क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है, ये कर सकती है और इसने प्रूव किया है। नीलिमा जैन बहुत खुश है, बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, बच्चे की मेहनत सफल हुई है। घर का काम वैसे नहीं करती थी जी। पर कुछ परेशानी होती थी, कुछ होती थी तो पूरा सपोर्ट करती। हम तो शुरू से ही कहते हैं अब मेरी बिटिया अब आगे बढ़ी है, लेकिन औरों की बिटियां तो पहले से आगे बढ़ी हुई हैं। तो मैं ये बात पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ और आगे भी कहूँगी कि बेटियाँ बेटों से किसी मामले में कम नहीं है।